हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपका जो यहाँ पे डिवाइस रहता है सिंपली इन्फिनिक्स का, इसके अंदर आप यहाँ पे जो वॉलपेपर रहता है सिंपली आप यहाँ पे किस तरीके से ऑटो चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली फ्रेंड, ऑटो चेंज वॉलपेपर को करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको ऑन करेंगे और यहाँ से कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको। तो सिंपली वॉलपेपर ऑटो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आने के बाद इसको ऑन करेंगे और यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको सामने। यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं सेटिंग को क्लिक कर लूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आने के बाद जो है देख सकते हैं इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलता है आपके सामने। तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो सिंपली इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे थीम एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है तो थीम एंड लॉक स्क्रीन पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद वॉल पेपर को ऑटो चेंज करने के लिए क्या करना है, माई वीडियो शो पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सिलेक्ट नहीं है तो सिलेक्ट कर लेना है आपने यहाँ पे, और यहाँ से बैक करना है और यहाँ पे अप्लाई पहले से मैंने किया हुआ है, यहाँ से बैक कर देंगे और यहाँ पे माई डाई पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ से बैक कर लेना है, आपका जो वॉल पेपर रहता है सिंपली यहाँ से लॉक स्क्रीन के अंदर ऑटो चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।